इट्स वेरी हटके, तो आई एम श्योर अभी ऑडियंस को भी वो बहुत पसंद आएगा चंपूटा दिखा देंगे। लेकिन ऑडियंस के मन में सबसे पहला सवाल, जब वो एक खूबसूरत एक्टर और एक्ट्रेस को देखते हैं, तो सबसे पहला सवाल उनके मन में ये आता है कि यार ये दोनों पहले कैसे मिले होंगे, सबसे पहले इनकी बॉन्डिंग कैसे आगे बढ़ी, यू नो कैसे कैसे ये लोग क्लोज आए, सारी चीजें यू नो एक फ्रेंडशिप बनी, तो प्लीज थोड़ा सा बताइए आपकी बॉन्डिंग कैसे बनी, कैसे यू नो पहली बार मुलाकात हुई थी, सारी सब फसाड था, सब फसाड ओके, बहुत मुश्किल था, अप्रोचेबल बिल्कुल भी नहीं थी, हाय बोलो तो हाय ऐसा था तो उनका ऐसा था, और मैं इनके साथ एक मॉक शूट कर चुका था तब से मुझे पता था कि ये रूट तो बिल्कुल नहीं है, बहुत क्यूट है, इट्स अ क्यूट हार्ट, बहुत प्यारी है, और सच में जैसा कि मैंने पहले भी बताया इंटरव्यू में, हम पहले मिल चुके थे, एक मॉक शूट हमने साथ किया था, और बहुत सालों पहले जब ये एकदम इतनी सी थी और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था उसने, इससे कुछ काम नहीं बना था बहुत पहले, पहली बार में हम फर्स्ट इंस्टेंस हम कब मिले थे इस शो में, जब हम रीड कर रहे थे रीडिंग में, हाँ तो अच्छा था, बहुत मजेदार। प्रणाली आप बताइए आपका पहला इंप्रेशन इनके से क्या? जब मैं उस मॉक शूट पे गई थी, आई थिंक आई वाज जस्ट वन शो ओल्ड, आई वाज वेरी न्यू, तो मैं बहुत नर्वस थी मॉक शूट करने के लिए, बट ही वाज देन वेरी काइंड, क्योंकि मैं बहुत रीटेक्स ले रही थी, एंड इट वाज मेरे लिए इरिटेटिंग हो रहा था कि मैं बोधा कर रही हूँ लोगों को कि मैं ठीक से नहीं कर पा रही, बट ही वाज वेरी काइंड, बहुत शांत थे, मैं अच्छे से किया था। फिर जब हम इतने सालों बाद इस मॉक क्या रीडिंग पर मिले थे, तब सबसे पहले इनका रिएक्शन था, डू यू रिमेम्बर? यस आई रिमेम्बर, हमने बहुत साल पहले एक मॉक शूट किया था, तो आइस ब्रेकिंग एज सच तो हमारे लिए कुछ था ही नहीं, हम ऑलरेडी जानते थे एक दूसरे को, सो इट वाज, और उस समय बहुत डिसेंट लग भी रही थी ना, नथिंग, नो लाउड मेकअप, नथिंग, सो इट वाज लाइक या हाय सर आई एम नॉट, आजकल लोगों के पास बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, पहले तो सिर्फ एक मीडियम हुआ करता था टीवी, जहाँ पर वो मनोरंजन करते देखते थे सारी चीज़ें।